श्रद्धेय स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी अपने मंगल आशीष हमको प्रदान करें। पहले उनसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार हम सब मिल करके परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से। परमपिता परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे स्वामी जी का भी धन्यवाद है और यहाँ जो सब उपस्थित हैं उन सब का भी धन्यवाद है और सभी को मेरा सादर प्रणाम है। होली का पर्व है, तीन बातें आप समझ लें। तीन बातें जला देनी है और तीन बातों को सदा अमरता प्रदान करनी है। वो है जिनको जला देना है अधर्म, और अधर्म के पहले असत्य, क्योंकि सत्य ही धर्म होता है, असत्य ही अधर्म होता है। जब सत्य को स्वीकार करके आचरण करते हैं वही धर्म है, उस धर्म से जब व्यवहार करते हैं वही न्याय है। तो सत्य, धर्म और न्याय, इससे विरुद्ध है असत्य, अधर्म और अन्याय। और ईश्वर के गुण ही, हम सब ईश्वर के भक्त हैं, हमें भक्ति करना है, उपासना करनी है, संध्या करनी है। तो ये तीन गुणों को हम धारण करेंगे, इनको अमरता की ओर ले जाएंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। और तीन अवगुण है उनको कभी रखेंगे नहीं। ये भावना आज आप सभी लोग बनाएं और परमात्मा इस ओर हम सबको बल दे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, जिससे हम लोग इस कार्य में सफल हो जाएं। सभी को मेरा फिर सादर अभिवादन, धन्यवाद। स्वामी जी ने हमें तीन शब्दों में बहुत सुंदर उपदेश दिया, हमें असत्य से, अधर्म से, अन्याय से दूर रहना है, सत्य को, धर्म को और न्याय को अपने जीवन में। और अब श्रद्धेय आचार्य श्री सबको आशीर्वाद। ओ परम श्रद्धेय, हम सबके लिए प्रेरणा और आदर्श की आदर्श श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी अमृतानंद जी, परम पूज्य श्रद्धेय हमारे आचार्य सत्यजीत जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय डॉक्टर साहब ठाकुर जी और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे हमारे प्राध्यापकगण, आचार्य कुलम के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, व्यवस्था में लगे हुए सभी हमारे वरिष्ठ जन, पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, हमारे वैदिक गुरुकुलम के सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां और आचार्य कुलम के सभी प्यारे हमारे बच्चों और भाई राकेश जयदीप जी, बहन सुमन जी और अन्य अन्य सभी। होली का पर्व, पर्व वस्तुतः
उल्लास का परिचायक है। व्यक्ति बाह्य उल्लास में कुछ क्षणों के लिए निमग्न रह सकता है, अंततः जो बाह्य उल्लास है यदि वह आंतरिक सत्ता के साथ उसका संबंध नहीं बन पाता है तो उल्लास भी हमको सुख नहीं देता है। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमको बाह्य उल्लास के लिए, पर्वों के लिए, त्यौहार के लिए, परंपराओं के निर्वहन के लिए, आमोद और प्रमोद के लिए भी आदेश तो देता है, विधान भी है, इस तरह की परंपराएं भी हमारे में हैं, परंतु वह उल्लास के द्वारा, वह उल्लास का भी कारण है। जैसे यह जो वासंती नवसष्टी है, यह उल्लास का कारण है। जब से सृष्टि बनी, हमारी जो वैदिक की सनातन परंपरा में, क्योंकि प्राचीन काल में हमने ऐसा सुना कि अभी तो अन्न का आयात भारतवर्ष में कई बार बाहर से करना पड़ता है, पर प्राचीन काल में हम अन्न का निर्यात करते थे, यानी हम अन्न पैदा करते थे, दुनिया उस अन्न को खा करके उनका जीवन बनता था। तो किसान जब अपने खेतों में लहलाती फसलों को देखता था तो उसके अंदर अभी पकने का, अन्न का पकने का समय होता है, कई जगह पर गेहूं कट चुके हैं, कहीं अभी 10-15 दिन के बाद गेहूं कटने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस वर्ष एक असमय वृष्टि से काफ़ी किसानों को नुकसान भी हुआ पूरे देश में, पर किसान जब पूरा परिश्रम करता है, क्योंकि वर्ष भर परिश्रम करने के बाद में, 4-5 महीने के परिश्रम के बाद में खेती जब लहलाती हुई जो खेती दिखाई देती है, उसके मन में उल्लास का भाव आता है। जब पुरुषार्थ सफल होता हुआ दिखता है, जब आप वर्ष भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में जब आपके अच्छे अंक आते हैं, तो आपको एक उल्लास होता है कि हमने पुरुषार्थ किया था, उसका हमको परिणाम मिला। इसी तरह से किसान पुरुषार्थ करके जब उसको परिणाम मिलने लगता है, वह उल्लास की मुद्रा में होता है। इस समय पर क्योंकि फसल कटने का पहला समय होता, कटने से पहले का समय होता है, कृषि कार्य के लिए जो काम करना होता है वह कार्य भी समाप्त हो चुका होता है, वही सर्दी भी खत्म हो चुकी होती है, गर्मी का आगमन नहीं हुआ होता है। और तीसरी चीज, आप प्रकृति में भी देखेंगे तो सब वनस्पतियों में, लताओं में, पुष्प में आप देखेंगे कि रंग बिरंगी पुष्प हैं, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, विरुद्ध हैं, वहां भी नई नई कोपलें, नई नए पुष्प जो हमको उल्लासित करते हैं। एक तरह से जो वसंत को इसीलिए बहुत ही उल्लास का ऋतु या पर्व माना गया है, उसी में यह होली का पर्व है। इस तरह से हमारे जीवन में बाह्य उल्लास का जो वातावरण बनता है, उस उल्लास में आमोद प्रमोद करते हुए, उल्लास को मनाते हुए हम अपनी आंतरिक उल्लास तक पहुंच सकें, आंतरिक प्रसन्नता को भी पा सकें बाह्य निमित्त से। क्योंकि ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो हम शास्त्र के गहन अध्ययन करके हम अपने अंतःकरण से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, तो बाह्य प्रकृतिस्थ जो वस्तुएं हैं उनको बहुत ही सात्विकतापूर्ण भोग से भी हमारे अंदर की सात्विकता जागृत होने लगती है, जिससे हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो आध्यात्मिकता की गहराइयां हैं, उसमें हम गहरे गहरे उतरते जाते हैं। पर्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि नहीं है, पर्व का अर्थ सतोगुण की वृद्धि है। इसीलिए इस वसंत ऋतु में मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, वातावरण के अंदर एक अपना हल्कापन होता है। इसीलिए इस होली के पर्व को एक प्रसन्नता का परिचायक मानते हुए, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रंग थे, जैसे हमारे यहां जिसको पलाश बोलते हैं, टेशु जो है, अभी आप देखेंगे कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लगी हो, इतना सुंदर फूल खिलता है अभी। हाँ, वो बहुत सुंदर लगता है,
वो ऐसा रखता है कि बहुत ही अग्नि की तरह से लालिमा पूर्ण वह होता है। इसके अलावा छोटे छोटे जैसे आप चकुंदर वगैरह भी, जो चकुंदर की सब्जी खाते हैं, यदि उसको काट करके भी पानी में भिगो दें तो उससे भी बढ़िया कलर निकल करके आता है। तो वो प्राकृतिक रंग, वह क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर हमारी जो स्किन के अंदर भी एक परिवर्तन आता है, तो इस तरह के यदि रंग को यदि हम त्वचा पर भी लगा लेते हैं, उबटन आदि का जो हमारे यहाँ विधान है, हल्दी आदि को काट करके भी उस हल्दी का रंग भी बना लेते हैं, तो वह हमारी त्वचा को लाभ करता है। और वसंत ऋतु के अंदर में जो उबटन आदि किया जाता है, वो वर्ष भर हमको त्वचा रोगों से बचाने में सहयोगी होता है। यह हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन यह वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से वह परंपरा जो हमारे देह के लिए शुद्धि का कारण था, जो हमारे रोगों के लिए बचाव का कारण था, जो हमारी त्वचागत विकृतियों का दूर करने का कारण था, वह विकृत होता 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 ऐसा विकृत हो गया कि आज विविध तरह के त्वचा के रोग का कारण, अंग भंग का कारण, या विविध तरह के, हम तो अपने बुराइयों को बाहर निकालना चाहते थे, दोषों को परिसमाप्त करना चाहते थे, पर हुड़दंग और गाली गलौज के द्वारा हमने अपने आप को और विकृत करने का साधन, विविध तरह के व्यसनों को, वासनाओं को और मद्यपान आदि को छोड़ना होता है, बुराइयों को त्यागना होता था, उसको अपना करके और विकृत करने का हमने साधन इन पर्वों को बना लिया है। यह ऋषियों का किया हुआ बताया हुआ मार्ग नहीं है, अभी तो यह विकृतियां हैं। तो हम सबको स्वयं विकृति से बचते हुए पूरे देश, पूरे इस संस्कृति के अंदर जो होली जहाँ भी मने वहाँ पर हम होली के शुद्ध स्वरूप को पहुँचा सकें, यह प्रयास भी श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए लाखों लाखों भाई बहन लगे हुए हैं, वो सब भी हमारे लिए एक तरह से मैं कहूँ कि हम कृतज्ञ हैं उनके उपकारों से, और इस संदेश को हम सबको भी आगे बढ़ाना है, तो इस उपकार से जो उपकृत होने का तब लाभ होगा। तो यह होली के पर्व को हम पूरे उल्लास के साथ मनाएं और पूरे देश के लोगों के अंतस के तमस को दूर करते हुए उसकी प्रकाश को, उस मधुरता को, उस दिव्यता को जन जन तक पहुंचाने का साधन बने होली, हमारे विकारों, हमारे कष्ट और हमारी बुराइयों के दहन का कारण बने होली, और आने वाले जीवन में हम प्रतिकूलताओं और संघर्षों से भी निकल करके वसंत के पुष्प की तरह से ये जीवन को पुष्पित कराए होली, इसके लिए मनाते हैं होली। तो हम हमारी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं, आप सबको भगवान से प्रार्थना है आपके जीवन में भी उल्लास हो, आपके जीवन में भी प्रसन्नता हो, वह प्रसन्नता हमको भी मिले, श्रद्धेय स्वामी जी की सबको आशीर्वाद मिले। बहुत 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 संपूर्ण देशवासियों को होली का पर्व की शुभकामनाएं। और गुजिया बनाना था वो शुद्ध मावा नहीं मिला, तो लड्डू तो सबको कल मिलेंगे ही, तो लड्डू के लिए भी आपको धन्यवाद। ठीक है, लड्डू जलेबी का पूरा इंतजाम है। अच्छा सुनो, तो देखो आचार्य जी ने कहा भगवान के प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं कि भगवान देखो अपने लिए कितना उपकार कर रहे हैं, और आज अपने विकारों की होली जलाओ। अभी आप पूरे देश में देखेंगे तो क्या जलाते हैं लोग, होली, होली का। अब होली का में क्या जलता है और उसके अंदर क्या जलता है? अब पहले लोग चलो एक तो हवन करते थे, बाकी जब हम अभी भी फसल के आस पड़ोस में तो रहते हैं लेकिन खेत में जाना कम कर दिया है, तो फिर उसमें क्या भूनते थे, होला भी भूनते थे। वो जो चना होता है ना, थोड़ा सा पक जाता है ना, तो फिर उसको अग्नि में भूनते थे। अब कुछ लोग ना तो हवन करते, ना उसके अंदर कोई अनाज विशेष को भूनते, ना होला भूनते, ना उसमें जौ भूनते, ना कोई गेहूं भूनते, गेहूं आदि भूनते थे, हमने भूने हुए हैं होली के समय। अब आप लोग ये जो होली बना रहे हो इसमें क्या भूनोगे बताओ? यदि कुछ भूनना हो तो होली जलाना, नहीं तो ऐसे लक्कड़ फूकने के लिए मत जलाना। तो आजकल ये एक रीति हो गई कि भाई होली है तो लक्कड़ फूकने ही है। ये लक्कड़ फूकने का नाम होली
तो फूकना है अपने विकारों को। स्वामी जी ने बताया ना, तीन चीजों को फूक दो, अपने भीतर के असत्य को, अपने भीतर के। ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए, और भी कुछ फूको? क्या क्या फूकोगे? आलस्य को पूरा फूक दोगे। तो आज के बाद सब संकल्प करेंगे कोई आलस्य एक बात, दूसरा और क्या फूकोगे? गुस्सा भी करते हैं आप लोग? अच्छा, ये तो बड़े भी करते हैं। देखो ऐसे ही, ये तो हमने अपने अंदर कुछ बुराइयां है ना, कुछ ना कुछ दोष है ना, कुछ ना कुछ अपने भीतर कमजोरी है कि नहीं? तो आज सब संकल्प लेंगे 1 2 3, कोई ना कोई बुराई जरूर फूकेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है? और जब ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, ठीक है? और जिन घरों में हवन होता है उनमें स्वाइन फ्लू बोलो, अपने यहां किसी को स्वाइन फ्लू हुआ? क्यों? सब प्राणायाम करते हैं और हवन, तो सारे देश के लोग प्राणायाम करेंगे, हवन करेंगे, तो हजारों से ज्यादा मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिर श्रद्धे आचार्य जी ने उसके लिए घरेलू उपचार भी बताया हुआ, आस्था संस्कार पे सब चल रहा है। और ज्वरनाशक क्वाथ, गिलोय का क्वाथ, फिर ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी, इनका उपयोग करेंगे तो देश में कोई बीमार। तो ऐसा करो, ये फूल सब बच्चों को बांट दो, सब एक दूसरे पर डाल लेंगे।